ग्यारह 1227 काल याद रखें ग्यारह 1227 अर्थात बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी बारहवीं शताब्दी के छठवें दशक में चंगेज खान का जन्म होता है यानी यदि हम आज से बात करें तो लगभग एक हजार वर्ष पूर्व अभी इक्कीसवीं शताब्दी है यह बात है ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी की यह बाईसवीं शताब्दी है बल्कि बाईसवीं शताब्दी और बारहवीं शताब्दी तो ठीक एक हजार वर्ष पूर्व चंगेज खान का जन्म होता है लगभग और वर्ष है ग्यारह और उसकी मृत्यु होती है बारह अर्थात लगभग 50 60 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है वैसे तो काल इसका दिखता है थोड़ा लंबा लेकिन शासक कम वर्ष के लिए रह पाया इसका जन्म हुआ था मंगोलिया में मंगोलिया के उत्तरी भाग में और वो ओलोन नदी जिसका मैंने जिक्र किया था उसके पास और कबीला था जिस कबीले से आता था उसका नाम था कियात कबीला ओलोन नदी कियात कबीला उत्तरी भाग यानी उस साइबेरियाई क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं वहाँ उसका जन्म हुआ पहला नाम जो उसका था प्रारंभिक नाम वो था तेमुजिन किसका प्रारंभिक नाम चंगेज खान का शुरू का नाम तेमुजिन और वो शासक जब बनता है तभी उसका नाम बदल जाता है चंगेज खान हो जाता है तो चंगेज खान वास्तव में नाम नहीं है चंगेज खान एक उपाधि है इसको आप याद रखें और उसका नाम जो है वह तेमुजिन तेमुजिन नाम का बच्चा उत्तरी मंगोलियाई में ग्यारह सौ बासठ में पैदा होता है और फिर जब वो शासक बनता है तब वह चंगेज खान की उपाधि उसे दी जाती है किनके द्वारा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे ये उपाधि के बाद चंगेज खान तो उपाधि के पहले तक जब मैं जिक्र करूंगा चंगेज खान का तो मैं उसे चंगेज खान नहीं कहूंगा मैं उसे तेमुजिन कहूंगा और आप मान के चलें कि तेमुजिन मतलब चंगेज खान भावी चंगेज खान की बात कर रहा हूं मैं तो किसी तरह का आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ ये बात स्पष्ट कर दूँ तेमुजिन नाम तब तक उपयोग करूँगा जब तक कि उसे आधिकारिक स्तर पर चंगेज खान की उपाधि नहीं मिल जाती तो प्रारंभिक नाम तमुजिन पिता का नाम यशुजयी और पिता जो थे वो एक कबीले के प्रमुख थे कि याद कबीला जैसा मैंने बताया परिसंघ और एक एक परिसंघ में कई कई कबीले कई हर कबीले में कई परिवार तो परिवार फिर कबीले फिर परिसंघ और अंत में एक राजनीतिक तंत्र ये क्रम है तो किया कबीले के प्रमुख थे उसके पिताजी उनका ये बेटा जहां तक चंगेज खान की मां की बात है तो उनका नाम था ओलन इके इसका एक सगा भाई था चंगेज खान का जिसका नाम था जामू का और एक मित्र भी था वो घुड़चू ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि ये ना केवल इस कहानी को बहुत रोचक बनाते हैं घटनाक्रम को बल्कि इसलिए कि चंगेज खान बाद में यदि चंगेज़ खान बना तो वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की पूरी मदद उसको मिली जिसमें उसके मित्र की वो गुरचू और भाई जमुका का भाई था उसकी मदद मिली इसके अलावा जयमदीन का एक चाचा था चाचा का नाम था तुगरिल और वैसे तो उसका नाम था ओंगा खान ओंगा खान जो थे वो स्वयं एक कबीले के मुखिया थे तुग्रिल अर्थात जिनका नाम है जो चाचा थे वो कबीले के मुखिया थे स्वयं तो अब आप समझ गए हैं माँ बाप एक भाई एक मित्र और जो कबीला एक और था कैराइट राइट कबीला उसके मुखिया तुग्रिल जो चाचा थे ये इसके चार पांच इस के कैरेक्टर्स हैं जिसके बल पर आगे का घटनाक्रम काफी कुछ प्रभावित होता है अच्छा समझने की बात यह है कि ग्यारह में जन्म तो होता है और मात्र आठ नौ वर्ष की उम्र में ये बालक जो है जो बाद में चंगेज़ खान बनता है उसका अपहरण हो जाता है और अपहरण होता है और उसे दास बना दिया जाता है उस समय दास प्रथा बहुत चलन में थी और ग़ुलामी की प्रथा तो एक गुलाम बना दिया जाता है एक छोटा सा बच्चा एक गुलाम बन गया जैसे जैसे समय गुजरता है तो उसकी शादी होती है आ, बोटे नाम की एक लड़की से लेकिन बोटे को भी दास बना दिया जाता है ये जो घटना क्रम है ये समझ लीजिए 1180 से लेकर 1170 से लेकर 1180 तक का है ग्यारह में जन्म हुआ सत्तर से अस्सी के बीच में अपहरण होता है विवाह भी होता है और विवाह के बाद उसकी पत्नी का भी अपहरण हो जाता है। अब बड़ी विषम स्थिति हो गई और ऐसी स्थिति में कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती किसी से लेकिन ये जो बालक था जो बाद में चंगेज खान हुआ वो बड़े ही जीवट प्रवृत्ति का था बड़ा अलग विचारों का था अलग सोच का था उसने अपने तरीके से बुघरचू और जामुका जो उसका छगा भाई था उनकी मदद से उनकी सहायता से अपने को आजाद करा लिया और ना ही केवल अपने को आजाद कराया अपने भाई की मदद अपने मित्र की मदद से बल्कि अपनी पत्नी को भी आजाद कराने में स्वतंत्र हो गया यानी 1780 के बाद के घटनाक्रम में यही सब चलता है कश्मकश तड़पन इस बच्चे में होती है जिसके तहत वो सतत प्रयास में लग जाता है कि कैसे मैं दास से निकलूं और ये निकलना मतलब एक तरीके से भाग जाऊं उस क्षेत्र से स्वतंत्र हो जाऊं और उसमें उसका ये मित्र बहुत मदद करता है वो बोघोरचू जिसका नाम था मित्र की मदद से मित्र की सहायता से ना केवल वो आजाद होता है बल्कि उसकी पत्नी भी कुछ वर्षों बाद आजाद हो जाती है स्वतंत्र हो जाती है तो इस प्रकार अब दोनों आजाद हो गए स्वतंत्र हो गए। लेकिन हाँ अपहरण की घटना और उसके बाद के काल ने इस बालक मन को बहुत प्रभावित किया और अगले पंद्रह वर्ष का समय लग गया जब वह एक तरीके से अपने को स्वतंत्र पाता है अपने को अपने बल पर खड़ा पाता है इसी दौरान दुर्भाग्य से कुछ घटनाक्रम में उसके जो चाचा तुगरिल थे जो एक कबीले के मुखिया थे वो तैमूजिन अर्थात भावी चंगेज़ खान के पिताजी की हत्या कर देते हैं यशु जय की हत्या कर देते हैं उसके उसके हाया बन जाते हैं। तो चाचा द्वारा के पिता की हत्या होना उसका सदमा भी तेमुजिन के मन में था और उस हद तक वह चाचा जिसका नाम ओंगा खान या तुगरिल उससे उस हद तक तेमजिन नाराज भी था उसके साथ वो घुरचू थे जामुका उसका सग्गा भाई था और तुग्रिल थे इस पूरे काल में जब वो स्वतंत्र होता है और सब होता लेकिन इसी दौरान तुग्रिल चाचा के पिताजी के उसके पिता की हत्या कर बैठते हैं दुर्भाग्य से समय ऐसा कुछ बदलता है कि तेमुजिन बघुरचू और तुग्रिल, ये एक और हो जाते हैं और जो उसका सग्गा भाई है जामुका वो विरोधी खेमे में हो जाता है वो उसका घोर विरोधी हो जाता है तो ये जो तिकड़ी है तेमुजिन जामुका ते, तेमुजिन तुग्रिल और बघुरचू ये तिकड़ी का सतत संघर्ष अगले घटनाक्रम में है जामुका के साथ अपने सगे भाई के साथ तो अपहरण पत्नी का अपहरण पिताजी की हत्या भाई के द्वारा विरोध और भाई का एक कटु शत्रु बन जाना ये कड़ुआहट उसके उस दौर में हम देखते हैं होती है और ये जो घटनाक्रम है ये घटनाक्रम 2003 से लेकर 2006 के बीच का है बासठ में जन्म 70 से 80 के बीच में विवाह अपहरण और फिर विवाह फिर अपहरण पत्नी का फिर उसके बाद आजादी और फिर अब यह समीकरण बनता है अंत में जिसमें जामु का एक पक्ष में हो जाता तुग्रिल अभी मुदीन के साथ किसी तरह का समाप्त किया जाता है और फिर, फिर से निपटा जाता है और अंत में चंगेज खान यानी तेमुद्दीन तुग्रिल को भी दरकिनार करने में सफल हो जाता है और ऐसा करते हुए वो न केवल अपने कबीले का मुखिया बनता है जिसके पूर्व में उसके पिताजी मुखिया थे बल्कि कैराइट कबीले का भी मुखिया बन जाता है जिसका मुखिया तुगरिल था तो इस प्रकार दो कबीले एक साथ और यहाँ तेमुजिन दो कबीलों का एकीकरण के बाद उसका मुखिया होता है और इस प्रकार यहाँ से शुरुआत होती है तेमुजिन की चंगेज खान बनने की कहानी में तेज गति आती है मैं एक बार आपका ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहूँगा किन विषम परिस्थितियों में इस बच्चे का जन्म उसके बाद किन विषम परिस्थितियों में दास अपहरण फिर दास फिर उसके बाद विवाह फिर अपहरण और न जाने क्या क्या होते हुए अंत में वह सफल होता तो ये आपके लिए भी एक लेसन है एक पाठ है कि निराश ना हो असफलता में ही संभवत सफलता निहित है क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो उससे आप कुछ पाठ सीखते हैं कुछ शिक्षा मिलती है और यही तेमुजिन के साथ हुआ डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक का तरीका अपनाते हुए उसने तुग्रिल अपने चाचा को अपने पास अपने पक्ष में रखा वो जानता था कि इसी चाचा ने मेरे पिता की हत्या की है पर जब तक उसको जरूरत थी उसने तुगरिल को अपने पक्ष में रखा और अपने भाई को जब दरकिनार कर दिया जो उसका कट शत्रु बन चुका था उसके बाद उसने तुगरिल से बदला लिया अपने पिता की हत्या का ये कूटनीति तो है तो उस उम्र में कूटनीति में भी पारंगत होना ये बताता है कि बाद में चंगेज खान क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ इसकी पृष्ठभूमि यहीं कहीं हम देखते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब दो कबीले मिलकर एक और तेमुजिन उसका मुखिया दास से अब वह कबीले का मुखिया और एक एक नहीं दो दो कबीलों का मुखिया और इस पूरे काल में लगभग पूरे दौर में दास से लेकर इस दौर में करीब 25 वर्ष गुजर जाते हैं 1206 तक की घटना 1206 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और वह घटना है एक संस्था एक संगठन हुआ करता था इन परिसंघों का मैंने आपको बताया ना विभिन्न कबीले मिलकर एक परिसंघ बनाते थे ऐसे छह परिसंघों का मैंने नाम आपको बताया जिसमें तीन परिसंघ तो तुर्की से आए हुए लोगों से या तुर्की से जुड़े हुए लोगों के थे और तीन परिसंघ मंगोलों के थे तो ये जो कबीले या परिसंघों के जो प्रमुख थे मुखिया ये मुखिया किसी एक प्लेटफॉर्म में खास मुद्दों पर इकट्ठे होते थे और वो प्लेटफॉर्म कहलाता था कुरीलताई कुरी लताई अर्थात एक ऐसा संगठन जो केवल कबीलाई या परिसंघों के मुखियाओं का होता था अर्थात अपने परिसंघ अपने कबीले का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार इनको मिलता था और इस प्रकार ये कुरीलताई जो संगठन था बहुत ही शक्तिशाली संगठन इसमें पूरे मंगोलिया क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व समाहित हो गया एक तरीके से 1206 में कुरीलताई संगठन ने जिसमें सब प्रमुख थे उन्होंने चंगेज खान की बहादुरी या तेजी मुन की बहादुरी उसकी दृढ़ता उसके शौर्य उसके लगन आदि से प्रभावित होकर और उसकी सफलताओं आदि से डर कर भी तेजी मुरिन को अपना मुखिया नियुक्त किया उसे मान्यता दी किस रूप में अपने मुखिया के रूप में और इस प्रकार इस मान्यता के तहत उसे चंगेज खान नाम की उपाधि दी गई तो इस प्रकार 1206 में तेजमिन अब चंगेज खान हो जाता है पूरे मंगोलियाई क्षेत्र के लोगों का शासक एक तरीके से मुखिया हो जाता है शासक तो नहीं कहूंगा मुखिया हो जाता है। और चंगेज खान का अर्थ क्या है तुगरिल का नाम तो उंगा खान था चंगेज का अर्थ होता है समुद्र समुद्र की खान समुद्री खान जिसमें अपार शक्ति अपार ताकत अपार गुण हो ऐसा व्यक्ति तो उसे उपाधि दी गई कुरिलताई संगठन के द्वारा चंगेज खान की उसका नाम अर्थात समुद्र खान सार्वभौम शासक एक तरीके से घोषित हो जाता है अर्थात समस्त मंगोलियाओं का मुखिया सार्वभौम जिसके हाथ में सभी शक्ति निहित थी यानी सब कुछ उसके हाथ में बार बार आपको याद दिला रहा हूं सत्रह से लेके 1206 का घटनाक्रम किस प्रकार बड़ी तेजी से चला और पूर्व में मैंने जिक्र किया था कि ये जो अध्याय है इसका पहला आधा जो हिस्सा है वह किसी फिल्मी दुनिया से की कहानी से अलग नहीं लगता अभी हमने वही सब देखा घटनाक्रम सभी तरह की घटनाएं हो गई इतने देर में और हमने जान लिया कि कैसे तुजेमिन चंगेज खान बनता है और चंगेज खान के बाद किस प्रकार वो पूरे मंगोलिया का सार्वभौम शासक घोषित किया जाता है ये 1206 की घटना है एक बड़ा रोचक कोइंसिडेंस जहाँ 1206 में चंगेज खान का उदय होता है वहीं भारत में क्या हो रहा था भारत में 1206 में सुल्तान वंश की स्थापना होती है पहले मुस्लिम शासन की स्थापना होती है अभी तक भारत जो अभी तक हिंदू शासन था वहाँ पर पहला इस्लाम वंश का शासक गद्दी पर आता है और वर्ष है 1206 और शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सल्तनत वंश की स्थापना की जिसकी परंपरा में आगे उसके वंश में इल्तुतमिश रज़िया बेगम आदि आदि आए जिसने कुतुब मीनार बनाया आदि आदि तो 1206 बड़ा रोचक वहाँ उत्तर में मंगोलिया में चंगेज खान का उदय होता है और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता पे आता है और पहली मुस्लिम शासन व्यवस्था भारत में लागू होती है जो आगे फिर उसके बाद करीब 500-600 वर्षों तक 700 वर्षों तक चलती है खैर वापस आते हैं तो 1206 की यह घटना और इसके बाद, बाद के काल में आने वाले दो तीन वर्षों में वो अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करता है अपनी प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करता है मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़ी बड़ा कठोर था वो अपने प्रशासन व्यवस्था में और अपने सैनिक पराक्रम में और सैनिक व्यवस्था को लेकर पूरी व्यवस्था पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी वो इसी पर केंद्रित थी सैनिक शासन पे सैनिक सत्ता पर सैनिक बल पर और उसका कारण बाद में मालूम पड़ता है उसका लक्ष्य हो गया था चीन पर आक्रमण और वो समझता था कि चीन पर आक्रमण तभी संभव है जब हमारा सैनिक बल मजबूत हो जाए 2006 से 2009 तक वो सभी कबीले को एक करता है कबीलाई अध्यक्षों को प्रमुखों के साथ बातचीत करता है एक करता है और सभी तरह के समीकरण होते हैं छोटे बड़े सब कबीले जुड़ जाते हैं और चंगेज खान के पीछे खड़े हो जाते हैं और चंगेज खान इस दौरान अपनी सैनिक सत्ता को मजबूत करता है अपने खुद के शासन को मजबूत करता है और फिर 2009 से 2016 का अगला फेज आता है अगला दौर आता है 2003 से 6 का दौर मैंने आपको बताया जब वो कबीलाओं के साथ शुरू होता है उसका झगड़ा तो और फिर अंत में जाके ताईक से मान्यता मुख्य शासक की सार्वभौम शासक की मान्यता ये दौर है 1203 से 1206 का और अब 1209 आते आते तक उसकी सैनिक सत्ता मजबूत हो जाती है 1209 से 1216 सो के घटनाक्रम पे आप नजर डालें जो काल चीन के आक्रमण चीन पर आक्रमण का काल है 1209 से 1216 चीन पर आक्रमण तो अब हम चलते हैं उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जब चंगेज खान अपनी वो गतिविधि शुरू करता है जिसके कारण वो आज भी जाना जाता है उसकी शुरुआत होती है चीन पर हमले के साथ और उसका काल है हमलों का काल 1209 से 1216 सो चीन पर आक्रमण का काल कहने का तात्पर्य कि लगभग सात आठ छह सात वर्ष सतत रूप से हमले होते रहे चंगेज खान के द्वारा चीन पर और तब जाकर चीन पर कब्जा हुआ और चीन मंगोलिया का हिस्सा बना यह तभी संभव था जब चंगेज खान मंगोलिया के अंदरूनी मामलों से निश्चिंत था वहां पर उसकी पूरी तरह पकड़ थी पैक थी एक अपहकृत अपहृत बालक से कैसे वो मंगोलिया का शासक बनता है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे वो चीन की ओर बढ़ता है इसकी बात अब यहाँ से शुरू होती है क्योंकि सात एक वर्ष का काल चीन पर हमले होने का काल है थोड़ा सा हम चीन को भी समझ लें चीन पर आक्रमण जो हुए वो तीन स्तर तीन स्टेज में हुए क्रम पहला आक्रमण करते हुए सीसिया वंश जो था उसको तो पराजित करता है और 1209 में उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांत को वह अपने में मिलाने में सफल हो जाता हूं तो इसका मतलब मंगोलिया का दक्षिणी भाग जो है दक्षिण पश्चिमी भाग अब उसमें विस्तार होता है अगला आक्रमण चीन के उत्तर तक यानी पीकिंग आप पीकिंग को देखिए चीन की जो राजधानी बीजिंग कहलाती है वो पूर्व में पीकिंग कहलाती थी पीकिंग से लेकर चीन के उत्तर तक के क्षेत्र पर विजय पाता है चीन वंश के शासन को समाप्त करता है और ये चीन वंश का ही वो शासक था चीन शी हुंग ताओ जिसने चीन की दीवाल बनाई और देखिए चीन की दीवाल का काल 1209 से चंगेज खान हमला शुरू करता है उससे पूर्व न जाने कितनी बार मंगोलियाई कबीलों ने चीनियों को परेशान किया वो परेशानियां पराकाष्ठा पे पहुंच गई जब चंगेज खान शासक बनता है और उत्तरी पश्चिमी भाग को चीन के जीतता है इससे सबक लेकर चीन वंश का शासक चीन शी हुंगी चीन की दीवाल बनाता है और उसकी शुरुआत होती है 1315 में और दो वर्ष में, में तो चीन की दीवाल बन जाती है 2000 हजार बारह सौ अब में और 1215 में चीन की दीवाल बन जाती है पूरी हो जाती है जिस रूप में आज हम देखते हैं लेकिन तब तक पेकिंग से लेकर उत्तर तक का हिस्सा चीन का उनके हाथ से निकल जाता है और चीन की दीवाल भी ढह जाती है इसका अर्थ यह नहीं कि दीवार गिरा दी गई इसका अर्थ यह कि चीन की दीवार को लांग कर चंगेज खान की फौज सफलतापूर्वक इतने बड़े क्षेत्र को अपने में मिलाने में सफल होती है हो। 2009 पहली विजय 2013-15 दूसरी विजय और 2016 में दक्षिणी क्षेत्र पर विजय पाया जहां का शासक था शुंग वंश दक्षिणी क्षेत्र में शुंग वंश का शासन था और अंतिम हमला होता है 1216 में जिसकी परिणति दक्षिण का जो क्षेत्र है चीन का उसे पूरी तरह अपने में समाहित कर लिया जाता है और इस प्रकार मंगोलिया पूरी तरह एक साम्राज्य का रूप ले लेता है शुंग वंश जो उस क्षेत्र में शासन कर रहा था वह भी समाप्त हो गया तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस फेज़ में जो आक्रमणों का फेज था और वह भी चीन में उसमें चंगेज खान को पूरी सफलता मिलती है और क्रमशः वह पूरे चीन को अपने में समाहित करने में अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल हो जाता है उसे मंगोलिया का एक हिस्सा बनाने में सफल हो जाता है यद्यपि एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि दक्षिण का जो क्षेत्र है जो उसका अंतिम आक्रमण 1216 का है उसमें उसे पूरी सफलता जीते जी नहीं मिल पाती दुर्भाग्य से बारह में उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन वो अपने सैन्य बल के एक बहुत बड़े टुकड़े को सीमांत क्षेत्र में यह छोड़कर वापस आया था यह सोचते हुए कि ये लोग सतत हमला करते हुए एक न एक दिन दक्षिण चीन पर विजयी पाएंगे और ऐसा करते हुए वह वापस अपने क्षेत्र में जब जाता है तो बारह में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है और फिर भी आक्रमण जारी रहते हैं मंगोलियाई लोगों का वह हौसला बना रहता है जो चंगेज खान ने उसको जिस बुलंदी पर पहुंचाया था और बारह आते आते दक्षिण चीन भी पूरी तरह मंगोलिया के हाथ में चला जाता है इस प्रकार एक यायावर साम्राज्य की स्थापना होती है यायावर प्रवृत्ति और कहाँ साम्राज्य दोनों के विरोधाभास से बात शुरू करते हुए अब आप समझ गए हैं कि यायावर अब हमारे लिए मायने नहीं रखता अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वह साम्राज्य की साम्राज्य की व्यवस्था की और उसके बारे में विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे चीन पर चंगेज खान के आक्रमण की कहानी यही खत्म नहीं होती उसमें थोड़ा सा और लोच है जैसा मैंने बताया कि दक्षिण चीन को उसने पूरी तरह कब्जा करने से पूर्व ही निर्णय ले लिया कि वापस जाए उसके पीछे कारण क्या रहा होगा वो कब से बाहर था मंगोलिया से कितने वर्षों से बाहर था इसको सोचें, लगभग छः सात वर्षों से वो मंगोलिया से बाहर था और एक चीन फिर दूसरा चीन का एक क्षेत्र और फिर तीसरे क्षेत्र पर वो अपना ध्यान लगा रहा था तो उसको लगा अब समय आ गया है कि जब ये बचे हुए चीन के हिस्से को जो दक्षिण चीन का है उसे कालांतर में कब्जा किया जा सकेगा अभी तक जितना मैं कब्जा किया उससे मैं संतुष्ट हूँ और इसलिए मैं चला बीस उन्नीस बीस में वो रवाना होता है और रवाना होते हुए वो एक बड़ी फौज छोड़ जाता है इस उम्मीद के साथ कि वो फौज दक्षिण चीन पर अपना पूरा कब्जा जमा के वापस आएगी मंगोलिया की राजधानी पहुंचने के बाद कालांतर में दुर्भाग्य से चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है और कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि चीन पर दक्षिण चीन पर पूरा कब्जा नहीं हो पाया रहता है वो अंततः जाकर उसकी मृत्यु के पाँच वर्ष सात वर्ष बाद होता है दो बारह में बारह में पूरी तरह से चीन मंगोलिया का हिस्सा बन जाता है जो तीन उसके टुकड़े थे तीन भाग थे अब वो तीनों भाग पूर्ण रूपेण मंगोलिया के हिस्से में आ गए लेकिन चंगेज खान वह दिन नहीं देख पाया और बारह में गुजर गया लेकिन जाते जाते जब वो तय करता है कि मैं मंगोलिया वापस चला उसके मन में सोच थी कि मैं किस रास्ते से वापस जाऊं उत्तर भारत के पास चीन के दक्षिण हिस्से में चलते हुए आसाम की तरफ बढ़, बढ़ूँ और फिर वापस पहुंचूं और या फिर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाऊं अंत में किसी शास्त्र या किसी आ, के मंतव्य के अनुसार उसने तय किया कि नहीं जिस रास्ते में आया था उसी रास्ते जाऊं और रास्ते में जाते जाते उसने कुछ और क्षेत्रों पर कब्जा किया 1219 से 1221 का काल ख्वारिजम पे आक्रमण के काल के रूप में जाना जाता है ख्वारिजम क्षेत्र है एक उस क्षेत्र में सुल्तान महमूद का शासन था और सुल्तान महमूद एक बड़ा शक्तिशाली शासक था काफी बड़े क्षेत्र में शासन कर रहा था उसका एक पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी ये नाम आपको भारत के इतिहास के संबंध में भी सुनने को मिलेगा जलालुद्दीन मंग जैसा मैंने कहा 1219 से 1221 इस काल में वापस जाते हुए उसने कुछ और क्षेत्रों पर विजय पाई और उनको कब्जा किया और वो जो विजित क्षेत्र थे वो उटरार बुखारा समरकंद बल्ख गुरगंज मार्ब निशापुर और हैरात इतने क्षेत्रों में उसने विजय पाई ये एक बड़े बड़े शहरों के नाम है। के कारण ये रखते हैं क्षेत्रीय प्रसिद्धि इन पर विजय पाते हुए वापस चला और फिर दो हजार इक्कीस बाईस में पहुंचता है अपनी राजधानी अपने राजमहल और मात्र पांच वर्ष और शासन करने के बाद मृत्यु हो जाती है यहां पर अब हम भारत के संदर्भ में थोड़ा सा जुड़, अपने को जोड़ते हैं मैंने जैसे बताया सुल्तान महमूद खुरिजम का शासक था और उसका पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। चंगेज खान महमूद शाह सुल्तान महमूद के पीछे पड़ा हुआ था और उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाह रहा था सुल्तान महमूद किसी तरह से जान बचाकर भागता है और वो कैस्पियन सी की ओर निकल जाता है अपनी एक फौज की टुकड़ी के साथ कैस्पियन सी की ओर निकल जाता है और बड़ी फौज जो है वो अपने पुत्र के पास छोड़ देता है ताकि वह जो उचित हो वो करे जलालुद्दीन मंग बर्नी के पास बड़ी फौज रह जाती है कैस्पियन सी पीछा करते करते उसके साथ ही साथ चंगेज खान की नज़र जलालुद्दीन मंग बर्नी पर भी थी और जलालुद्दीन की फौज भी पीछे हटते जाती है और अंततः अफगान सीमा पर पहुंच जाती है अफगानिस्तान में आती है वहां से फिर वो सिंधु की ओर आती है सिंधु अर्थात भारत का सीमा क्षेत्र अब जलालुद्दीन मंगबरनी भारत के सीमा क्षेत्र पर है और जैसा मैंने बताया भारत में उस समय 1206 में सल्तनत वंश पहले मुस्लिम सुल्तान का शासन शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में और इस समय जब जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध की सीमा पर था तो इल्तुतमिश अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव जो अब शासक बन चुका था वह शासक था पहली डायनेस्टी जो भारत में सल्तनत में आई वह स्लेव डायनेस्टी कहलाती गुलाम वंश कहलाता है तो गुलाम लोग शासन करते थे तो कुतबक्का गुलाम था इल्तुतमिश वह गद्दी पर था और उसे भनक लगती है कि जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु सीमा पर है और उसके पीछे पीछे चंगेज खान चला रहा है वो वैसे ही तनाव में था चिंतित में था चिंतित था कि अब आगे क्या होगा क्या ये जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु की ओर आ जाएगा नक्शे में आप देखिए पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है कैसपियन सी की ओर सुल्तान महमूद जात भागता हुआ और इस तरफ अफगानिस्तान और सिंध भारत की सीमा पर जलालुद्दीन मंग बरनी जलालुद्दीन मंग बरनी ऐसी कठिनाई के समय अपने संदेश वाहक के माध्यम से इलतमिश को एक संदेश भेजता है जिसके अनुसार वह शरण मांगता है अब इल्तुतमिश के सामने एक समस्या कि वह शरण दे कि ना दे यदि शरण देता है तो वहाँ तक तो बात ठीक है पर चंगेज़ खान उसे नहीं छोड़ेगा और जलालुद्दीन मंग बरनी को पकड़ने के लिए चंगेज खान पूरा भारतीय सीमा में घुस जाएगा भारतीय सल्तनत साम्राज्य के अंदर घुसने में कोई हिचक नहीं करेगा और इस प्रकार इल्तुतमिश की फौज को चंगेज खान की फौज से लड़ना पड़ेगा और चंगेज खान के बारे में उसके कठोरता के बारे में उसके कृत्य के बारे में उसकी निष्ठुरता के बारे में इल्तुतमिश और तत्कालीन लोगों ने बहुत सुन रखा था तो वह बहुत घबरा गया और फिर सोचने लगा और अंत में उसने एक डिप्लोमेटिक निर्णय लिया जिसे हम कहते हैं कूटनीतिक निर्णय और उसने संदेशवाहक के माध्यम से खबर भेजी कि महोदय जलालुद्दीन मंग बर्नी को खबर भेजी कि महोदय आपके लिए इस समय यहाँ आना उचित नहीं होगा समय अनुकूल नहीं है अब इसके जो भी मायने निकाले जाएं कुल मिला के मंगबरनी को बात स्पष्ट हो गई कि इलतुतमिश ने उसके अनुरोध को किसी कारण से स्वीकार नहीं किया है और सोचा बेहतर होगा मैं दूसरे रास्ते जाऊं इस प्रकार जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध की सीमा से ही दूसरी ओर चला गया और चंगेज खान के हमले से भारत बच गया अर्थात भार भारत अन्यथा भारत की भी वही दुर्दशा होती जो चंगेज खान ने इन क्षेत्रों में जिनका मैंने नाम लिया बुखारा उटरार समरकंद बल्क वहाँ जो निशापुर वहाँ जो उसने मार काट मचाई थी जो किस्से कहानियाँ सामने आ रही थी वही हश्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का होता तो हद तक इलतित ने बहुत सही निर्णय लिया दिमाग से निर्णय लिया और कूटनीतिक निर्णय लेकर एक बड़े खतरे से देश को बचाने में सफलता पाई